तो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों काफ़ी ढेर सारे रेडमी और पोको के डिवाइसेस के लिए सिक्योरिटी का नया अपडेट इंडिया में रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं आप लोगों को वर्जन 6 का अपडेट देखने को मिलता है, यानी कि आप लोगों को इस अपडेट में काफ़ी ढेर सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इसके वर्जन की बात करें, आप सभी लोग देख सकते हैं वर्जन 6.1.5 पॉइंट समथिंग जैसा कि देख सकते हैं, और इसका जो साइज देखने को मिलता है 70.8 MB देखने को मिल जाता है। अगर हम लोग इसके रिलीज डेट की बात करें, जैसे कि देख सकते हैं 24 मार्च 2022 को रिलीज किया गया था, लेकिन अभी जो 29 मार्च हो चुका है और अब हमारे डिवाइसेस में जो अपडेट शो कर रहा है जैसे कि देख सकते हैं। अगर हम लोग चेंज लॉग की बात करें तो जैसे कि देख सकते हैं व्हाट्स न्यू में आप लोगों को फिक्स अननोन बग्स देखने को मिलते हैं, इम्प्रूव्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है जैसे कि देख सकते हैं। सो गाइस अगर मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं सिक्योरिटी ऐप को, जैसे कि देख सकते हैं आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को यहाँ पर भर भर के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे आप सभी लोग देख सकते हैं आप लोगों को इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोगों को रिसीव रिकमेंडेशन का ऑप्शन को ऑफ कर देना जैसे कि देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ नए एनिमेशन भी देखने को मिल सकते हैं आपके डिवाइस के हिसाब से, क्योंकि मेरे डिवाइस में MIUI 12.5 देखने को मिलता है, इनहेंस वर्जन नहीं आया है, इसलिए मेरे डिवाइस में कुछ कम फीचर देखने को मिलते हैं। सो गाइस अगर आप लोगों के डिवाइस में यह अपडेट आ गया तो हमें नीचे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। अगर आपके डिवाइस में यह अपडेट नहीं आया है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से इस अपडेट का जो APK फाइल है उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को सिंपली टेलीग्राम पर टेक्निकल सिम्यूलेशन सर्च कर लेना है, या फिर उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोगों को क्लिक करके यहाँ पे आके अपने डिवाइस में इस लेटेस्ट सिक्योरिटी के वर्जन को अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर लेना। सो गाइस अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना अपने डिवाइस के ऊपर, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा।